Hello students, myself Eti Vijay, lecturer GPC Bara. Today we will study Electronics third year subject 302 Advanced Microprocessor Unit 2. इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो है स्ट्रिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस। 8086 के अंदर काफी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और ये कोई भी 8085 में नहीं थे। स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 8086 में ही आया है। स्ट्रिंग का अर्थ होता है कैरेक्टर्स की सीक्वेंस। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट चाहिए, तो एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है, जितनी उसकी लंबाई है, जिसमें जितने उसमें कैरेक्टर्स हैं, उतने ही बाइट एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए चाहिए। अब जो स्ट्रिंग है वो ये है कि हम ये अंग्रेजी जो शब्द है, अक्षर है, इसको मिला करके जो भी लिख सकते स्पेशल कैरेक्टर्स को, वो सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो हम कोई जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, वो स्वयं भी तो एक स्ट्रिंग है, तो उनको भी एज अ ऑपरेंड हम यूज कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में यहां पर मैं आपको ये दिखा रही हूं जो इंस्ट्रक्शंस आरईपी है, रिपीट। ये रिपीट करने के काम आता है किसे? रिपीट आरईपी के आगे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हो, मान लीजिए एड ए कॉमा बी, इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसको रिपीट करता जाएगा जब तक कि काउंटर जीरो ना हो जाए। ऐसे ही REPE, REPZ वो है जो काउंटर रजिस्टर यानी कि CX रजिस्टर को तो देखेगा, ऐसे ही जीरो फ्लैग को भी देखेगा, दोनों को कंसिडर करेगा, या तो CX जीरो हो जाए या जीरो फ्लैग के अंदर वन आ जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है ये REPE या REPZ को हम यूज कर सकते हैं। इसी का नेगेटिव कि आपको CX इक्वल्स टू जीरो या जीरो फ्लैग वन को रिपीट करना है उस तक, तो उसके लिए आप REPNE या REPNZ नॉट वाले में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मूव करने के लिए काम आता है। आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग मूव करना है तो आपको मूव S लिखना है। मूव S भी है स्ट्रिंग का पूरा बाइट, मूव S भी है स्ट्रिंग का वर्ड। तो यह काम आता है, ये जो आपका पूरा जो निर्देश है मूव S वाला, वो एक बाइट या वर्ड को एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में ट्रांसफर करने के काम आएगा। लोडिंग या स्टोरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वह निर्देश है LODS, LODSB, LODSW। S का अर्थ है स्ट्रिंग, B का अर्थ है बाइट, W का अर्थ है वर्ड। तो यदि हमें कोई स्ट्रिंग बाइट अक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, या स्ट्रिंग वर्ड अक्यूमुलेटर का जो 16 वाला विड्थ AX में स्टोर करना है, तो हम LODSB या LODSW को यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। यदि आपको दो स्ट्रिंग की तुलना करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा COMS। ऑटोमेटिकली बाइट हो या वर्ड हो काम कर जाएगा, आपको पता है कि वो बाइट्स हैं तो आप COMPSB यूज कर सकते हैं, और आपको पता है कि वो वर्ड्स हैं तो आप COMPSW यूज करेंगे। जब हमें स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए स्ट्रिंग और फिर कंपेयर करना है उसका बाइट बाय बाइट अक्यूमुलेटर से, तो आपको SCA वाले जो ये ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है। बाइट के लिए SCASB, वर्ड के लिए SCASW। इसी तरह से इन IO पोर्ट से इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हमें INS या OUTS, आउट एस इन एस, इस तरह के ग्रुप को यूज करना पड़ेगा। इनपुट के लिए इन एस, हमें बाइट पता है तो इन एस बी, वर्ड पता है तो इन एस डब्ल्यू। ऐसे ही आउटपुट में हमें पता है हम बाइट को आउटपुट कर रहे हैं, वर्ड को आउटपुट कर रहे हैं, तो आउट एस बी, आउट एस डब्ल्यू यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम ले रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है 4 बाइट्स का, जो कि एड्रेस 0500 पे है, और मुझे उसे पूरा एज इट इज ट्रांसफर करना है 0600 पे। 4 बाइट है तो इसे 4 कैरेक्टर की स्ट्रिंग मान के हमें ये प्रोग्राम करना है।
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बाय यूजिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब आपको एक बाइट को एक कैरेक्टर मानते हुए चार बाइट यानी कि चार कैरेक्टर की आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि आप 0500 से उठा करके 0600 पे कॉपी करें। एल्गोरिथम हम ये ले सकते हैं कि पहले 0500 एड्रेस को सेगमेंट इंडेक्स SI में, और जो हमारा डेस्टिनेशन है सोर्स में तो आपने 0500 ले लिया, डेस्टिनेशन DI में 0600 असाइन कर लिया। उसके बाद आपके एक्यूमुलेटर में पूरे जीरोस आपने फिल कर लिए, फिर DS से कंटेंट उठाया आपने AX के अंदर, ES से उठाया AX के अंदर, और असाइन कर दिया आपने 0004, क्योंकि चार बार करना है ना, आपके पास चार बाइट हैं तो इसको डाल दिया आपने काउंटर में। अब डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर कीजिए और रिपीट कर कीजिए जब तक कि काउंटर जीरो ना हो जाए, मूव स्ट्रिंग ब्लॉक आप मूव करते जाइए एंड देन हॉल्ट। इसी को अब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्म में देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहला लाइन में हमने लिया है 0400 हमारी मेमोरी एड्रेस जहां पे हम प्रोग्राम स्टोर कर रहे हैं। मूव करना है SI के अंदर 500। 500 क्या है? 500 वो एड्रेस है जहां से हमें हमारी सोर्स स्ट्रिंग मिलने वाली है जिसे हमें डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। तो सोर्स इंडेक्स SI, उसके अंदर 500 डाल दिया, 600 DI यानी कि डेस्टिनेशन इंडेक्स में पुट कर दिया आपने, और अक्यूमुलेटर क्लियर करके पूरा 000 लिख दिया। अब अक्यूमुलेटर के से जो भी है वो आपको DS में कॉपी करना है एंड ES में कॉपी करना है, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट में। एंड इसके बाद आपको जो आपका जो काउंटर है उसको आप 4 सेट कर दीजिए। इसके बाद डायरेक्शन फ्लैग क्लियर करना है CLD से। उसके बाद रिपीट, रिपीट के बाद हमने लिखा हुआ है मूव SB यानी कि मूव स्ट्रिंग ब्लॉक। तो अपने आप ही आपका जो मूव जो स्ट्रिंग का पूरा ब्लॉक है जो CX का साइज है 4 साइज उसके अनुसार वो रिपीट होता जाएगा चार बार और वो मूव हो जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जो 411 और 412 लाइन नंबर लिखी है वो आप समझिए, REP हो गया आपको रिपीट। रिपीट इसके अंदर अपने आप ही काउंटर को 004 का जब तक जीरो ना हो जाए रिपीट करेगा। मूव SP के हिसाब से बाइट SB है, ओके। तो जो SB एक बाइट 500 से 600 पे मूव हो जाएगा। इसके बाद फिर से रिपीट होगा जब तक कि काउंटर जीरो ना हो जाए, काउंटर अपने आप ही रिपीट की वजह से डिक्रीज होगा। फिर से आपका इसके अंदर क्या होगा, 501 से 601 पे कॉपी होगा, फिर 502 से 602 पे कॉपी होगा। इस तरह से काउंटर के साइज के अनुसार चार बार यह रिपीट होकर के और बाइट्स को मूव कर देगा। ये प्रोग्राम आपका, यह प्रोग्राम हुआ आपके स्ट्रिंग का एक सैम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सैम्पल प्रोग्राम्स लेंगे। थैंक यू।